प्रभारी सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग की वित्तीय और भौतिक प्रगति समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के जो है शुद्धिकरण को मद्देनजर रखते हुए दवाइयों की कमी को दूर किया जाए। प्रभारी सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने चिकित्सा इकाइयों में रिक्त पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नवसृजित और नवनिर्माणधीन चिकित्सा इकाइयों में पदों को सृजित कर शीघ्र भरे ताकि नवनिर्माण चिकित्सा इकाइयों का लाभ आमजन को मिल सके। बैठक में प्रभारी सचिव ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की समीक्षा की, जिसमें 664 CHO की नियुक्ति 15 दिन के भीतर सुनिश्चित किए जाने की बात की, जिसमें आम जनमानस को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में मिल सके। उन्होंने जनपद हरिद्वार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुर में दवा चलाने के प्रकरण का स्वास्थ्य को तुरंत जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ट्रांसफर तो एक रूटीन प्रोसेस है और जब समय आएगा तो लिस्ट आउट होगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है HR मैन पावर की जो कमी है जो अभी फिलहाल नर्सेस में है, अब चिकित्सा स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा दोनों समर्थ मिला के हमारे 2600 नर्सेस हैं जो हम लोग इमीडिएटली भर देंगे। चिकित्सा स्वास्थ्य का तो मेरे ख्याल से इमीडिएटली विद इन वीक्स टाइम हम प्रोसेस शुरू कर देंगे और चिकित्सा शिक्षा में जो नर्सेस हैं वो हम लोग कैबिनेट में अभी ले जाएंगे।